कौन है लड़की? फोटो दिखाओ जरा हमको। लड़की तो सुंदर है, क्या नाम है? सुमन मिश्रा, ब्राह्मण। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हमको क्या ऐतराज है, बस तुम्हारे पापा मान जाए। हम कभी कुछ कहते हैं क्या? लव हो गया है आपके सुपुत्र को, पता नहीं कौन सी लड़की। मेरा बिट्टू इतना सेंसुअल है दीदी, उस दिन हम उसको देखे, किसके पापा खड़े हुए थे सामने, तो चुपचाप अपना मुंह उधर करके गुटका डाल लिया मुंह में। अरे खाने को तो अपने पापा के सामने भी खा सकता था ना, लेकिन उसके संस्कारों ने उसको ऐसा नहीं करने दिया। अरे ये सब उसकी बहानेबाजी है दीदी, मेरा बिट्टू नहीं है क्या उस जगह? ड्रिंक जरूर करता है, लेकिन चुपचाप अपने कमरे में जाएगा, क्लास में पिएगा और शांति से खाना पीना खाकर अपना सो जाएगा। अरे रिकॉर्ड हो जो आज तक कभी कोई हो हल्ला किया हो, कोई हुल्लड़बाजी किया हो, सवाल ही नहीं उठता है। एक दिन हम उसको देखे कि वो जो व्हाइटनर नहीं होता है उसको रुमाल में डालकर सूंघने में लगा हुआ था, तो हम पूछ दिए कि ये क्या कर रही हो बिट्टू, तो हमको बताया कि पढ़ाई करते हुए कभी कभी गलत जानकारी याद हो जाता है मम्मी, तो व्हाइटनर को सूंघ कर उसको डिलीट करना पड़ता है। बताइए पढ़ाई को लेकर ऐसा जज्बा हम इस खानदान के किसी बच्चे में नहीं देखे थे। पूजा पाठ से तो उसको इतना लगाव है दीदी कि हम आपको क्या ही बताएं। एक दिन उसको पता चला गांजा भांग भोले बाबा को प्रिय है, तो रोज सुबह डेली अपना रूटीन से उठकर पहले गांजा फूकेगा, फिर ही कोई दूसरा काम करेगा, देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। इसका सब फायदा भी लेकिन बहुत उठाते हैं, दोस्त यार इसके बुला लेंगे बर्थडे पार्टी में और सारा काम इसी से करवाते हैं। घर आएगा तो आंखें लाल, एकदम चलने में लड़खड़ाने लगता है, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी। तो कहते हैं कि ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां पे सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तो हमको कहता है कि मम्मी इंसानियत से बढ़कर मेरा जीवन नहीं है, अगर दूसरों की मदद करते करते मेरी जान भी चली जाए। तो हंसते मुस्कुराते दीदी मेरा बेटा ऐसा था नहीं, अरे वो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता था कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएंगी, और आज देखो देख के लगता ही नहीं कि ये मेरा बिट्टू है। याद है आपको दीदी बचपन में आप जब भी इससे पूछती थी कि बिट्टू। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं काजल चौहान के बारे में। काजल चौहान फनी वीडियो बनाकर लोगों का दिल जीत लेती हैं। दोस्तों अभी इनकी शादी नहीं हुई, ये ऐसे बिहेवियर करती हैं जैसे कि ये शादीशुदा हैं। तो दोस्तों आप लोगों को काजल चौहान कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग इनके फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सुबह का 8 बज रहा है लेकिन इस बुड्ढे को अभी तक चाय नहीं नसीब हुई है।